नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कहां माखन से जुड़ जाता है खंडित शिवलिंग। भारत देवी देवताओं व ऋषियों मुनियों की धरती है। भारत में भगवान के विभिन्न रूपों की आराधना व पूजा की जाती है। भारत के कोने कोने में विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर स्थित हैं। कुछ मंदिर इतने चमत्कारिक, रहस्यमयी व अद्भुत हैं जिनके रहस्यों को सुलझाने में वैज्ञानिक भी आज तक सफल नहीं हो सके। देश भर में भगवान शिव के अनेक मंदिर मौजूद हैं। प्रत्येक मंदिर का अपना इतिहास है, अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में जानकारी देंगे जिसके अनसुलझे रहस्य के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा मंदिर जिसमें स्थापित शिवलिंग पर हर 12 सालों में एक बार बिजली गिरती है और शिवलिंग हर बार खंडित हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसके बाद यह खंडित शिवलिंग फिर से जुड़ जाता है। हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित बिजली महादेव मंदिर की। बिजली महादेव मंदिर का इतिहास। बिजली महादेव मंदिर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। यह मंदिर ब्यास और पार्वती नदी के संगम के पास एक ऊंचे पर्वत पर स्थित है। मान्यता के अनुसार सदियों पहले यहाँ पर कुलांत नामक दैत्य रहता था। यह दैत्य ब्यास नदी के प्रवाह को रोककर इस स्थान को डुबोना चाहता था, इसीलिए उसने एक बड़े अजगर का रूप धारण किया और ब्यास नदी में कुंडली मारकर बैठ गया। भगवान शिव को कुलांत का यह व्यवहार बेचैन करने लगा। इस स्थान को जलमग्न होने से बचाने के लिए भगवान शिव ने कुलांत के कान में कहा कि उसकी पूंछ में आग लग गई है। जैसे ही कुलांत ने पीछे मुड़कर देखा तो भगवान शिव ने उसके सिर पर त्रिशूल से वार कर दिया। त्रिशूल के प्रहार से कुलांत मारा गया। कुलांत के मरते ही उसका विशालकाय शरीर एक विशाल पर्वत में बदल गया। कुल्लू घाटी के बिजली महादेव से रोहतांग दर्रा और मंडी के घोगर धार तक की घाटी कुलांत के शरीर से निर्मित मानी जाती है। कुलांत के नाम से ही इस जगह का नाम पहले कुलूत और बाद में कुल्लू पड़ा। क्यों गिरती है शिवलिंग पर बिजली? पहाड़ी प्रदेश होने के कारण बिजली गिरना यहाँ पर आम बात थी। इस पर विशिष्ट मुनि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि स्थान पर धरती को बचाने के उद्देश्य से महादेव इस धरती पर पड़ने वाली बिजली को रोकने का कोई समाधान निकालें। खंडित होने पर मक्खन से जुड़ जाता है शिवलिंग। कहा जाता है कि 12 सालों में एक बार इस शिवलिंग पर बिजली गिरती है जिससे यह शिवलिंग खंडित हो जाता है। मंदिर का पुजारी इस खंडित शिवलिंग को मक्खन से जोड़कर फिर स्थापित कर देता है और कुछ समय बाद ही शिवलिंग अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है। कहा जाता है कि इस इलाके के लोगों के जान माल की रक्षा के लिए भगवान शिव अपने पर बिजली गिरवाते हैं। कैसे पहुँचे बिजली महादेव मंदिर तक? बिजली महादेव मंदिर कुल्लू से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुल्लू से चांसरी गांव तक बस से या टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। इस गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बिजली महादेव। इस गांव से पैदल मंदिर तक की चढ़ाई की जाती है। इस स्थान पर पहुंचने पर आप बिजली महादेव के अद्भुत मंदिर के दर्शन तो कर ही सकते हैं, साथ ही इस मनमोहक स्थान से कुल्लू घाटी को निहारते हुए प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी बिजली महादेव मंदिर से जुड़ी जानकारी। हर दिन नए और बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल D5 हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह के आर्टिकल्स पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करें। जुड़े रहें चैनल D5 हिंदी के साथ।